मंदिर को देख देख कर पढ़ते सब इतने सारे संत लोगों को जन्म सारे संत लोग देख देख कर पढ़ते सब भले वृंदावन वासी सवार पूरी हो जाए। इच्छा क्या है? भगवान के चरण में भक्ति, ठाकुर के चरण में हमें प्रेम की प्राप्ति हो, इसलिए सब भक्तों का नाम ले ले इसमें प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर शिव संत गौर भक्त वृंद
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु प्रभु भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु जय द्वार मोरी दया कर सीता प्रति अद्वैत
उसके बाद दूसरी अद्वैत आचार्य को उन्हें प्रणाम करते थे। अद्वैत आचार्य कौन है? अब बोलते ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। ये अद्वैत ये सदाशिव है। इन्होंने जब संसार में आए लोगों को दुख कष्ट को देखा, लोग सबके सब संसार में दुखी और पैसा को कुत्ता कुत्ती बिला बिली शादी में खर्चा कर रहे हैं और देवी पूजा करके उसको सामने बलि चढ़ा करके लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, कोई भगवान की भक्ति भजन नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने भगवान को बुलाया, प्रभु आओ आज इनको बड़े कृपा करो। उसने कहते तब कृपा भले पाई चैतन्य निकाई, इनकी कृपा से ही उन्होंने नित्यानंद और महाप्रभु को जगत लाए, इसलिए इनकी कृपा से ही हम आज महाप्रभु को भक्ति कर रहे हैं। इसलिए इसमें जितने सारे महाप्रभु का भक्तों का नाम को ले लेकर के सबके चरण में प्रणाम करते हैं। इसे नियम है रोज ये भजन को सवेरे करते चाहिए, रोज भजन को सवेरे करते चाहिए, करने से सभी का आशीर्वाद मिलता है। केलो गौर सूची पत्र भले एल गौर रस नदी आदमी भाषा गौर देश प्रेम। यहाँ पर उदाहरण देते हैं
कभी श्री चैतन्य महाप्रभु क्या उदाहरण दिया, बोले रस का एक नदी, रस का एक नदी, लेकिन रस नदी ने क्या किया, बोले कादंबिनी भाई, कादंबिनी मतलब जो मेघ ऊपर जो मेघ है, जैसे कोई रस का नदी बह रही, तो रस नदी को कौन पी सकता है, उसको पास में जो जाएगा नदी को पास में जाएगा वही तो नदी का पानी पी सकता है, लेकिन वही नदी का पानी अगर आकाश में मेघ बन करके चली जाए तो फिर क्या होगा, जहाँ जहाँ बारिश होगा ना सब जगह पर वो पानी सबको मिल जाएगी। इसलिए महाप्रभु एक रस का नदी है, लेकिन उन्होंने कैसे आए, बोले एक तो मेघ बन करके आए, अरे मेघ बन करके आए तो क्या किया, सब जगह में उन्होंने बारिश करा दिया, सब जगह नदी को सब जगह में देख करके सब जगह में उन्होंने बारिश करा दिया और रस सबको प्राप्त हो गया है। कहते नित्यानंद प्रभु क्या है, कहते नित्यानंद राय का ही मार्ग तो सहाय जहाँ ना ही प्रेम वृष्टि ताल हो गया। उदाहरण दिया नित्यानंद प्रभु, उन्होंने काम क्या किया, उनका उदाहरण दिया हवा, जैसे आप देखना आकाश में तो मेघ मेघ है, लेकिन देखना जो हवा जिधर चलती है ना वो मेघ उधर चले जाता है, फिर उधर बारिश हो जाता है। अभी जहाँ पर ये भक्ति नहीं, जहाँ पर लोग भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते हैं, फिर उनका कल्याण कैसे होगा, जो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उन्होंने जहाँ पर भगवान की भक्ति कोई नहीं करते थे, भजन नहीं करते थे, उन्होंने महाप्रभु को ना जैसे हवा जैसे बादल को लेकर के सब जगह में लेकर बिखरा देते हैं, उसी तरह नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ये प्रेम रूपी जो मेघ रूपी जो बादलों को सब जगह में दे, सब जगह में दे करके सब जगह में उन्होंने बारिश बारिश करा दिया। जैसे अभी गड़ी में आ गया भक्ति, भक्ति गड़ी में आ गया, पहले क्या भक्ति गड़ी में थी, कोई लोग हरिनाम करते थे, ठाकुर का कीर्तन करते थे, लेकिन गुरुदेव आ गए। इसलिए हम गुरुदेव को क्या कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु अभिन्न, नित्यानंद अभिन्न, यदि नित्यानंद प्रभु कृपा से ही क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु ही गुरु रूप में आए घड़ी में और सबको घर घर में क्या किया, हरि भक्ति को प्रचार किया। अभी घर घर में क्या है, लोग गले में कंठी लगे हुए, तिलक लगाए, भगवान के नाम कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, किसका कृपा, श्री नित्यानंद प्रभु की, गुरु जी की ये कृपा है। बोले हुरुड़ू शब्द आयल श्री अद्वैत चंद्र, कहते श्री अद्वैत इनको क्या उदाहरण दिया, जैसे अब देखना आकाश में कोई बारिश बारिश कुछ नहीं, हठात एक बादल कहीं से आया है, बादल मेघ बादल आया, एकदम चारों तरफ पानी पानी करके सबको उन्होंने क्या किया, भिगा करके चला गया। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य जी ने क्या किया, इन्होंने महाप्रभु जगत को जब दुर्दशा को उन्होंने देखे, कोई भी भगवान की भक्ति भजन नहीं करते हैं, बोले ठाकुर जी को जल्दी से जल्दी ठाकुर जी जगत में कैसे अवतरण होंगे, इसलिए बोले शास्त्र में बोला अगर एक गड्ढ गंगा पानी ले लो उसमें एक तुलसी दल दे दो, अगर ठाकुर जी को अर्पण कर दो ना ठाकुर जी कितने बसीभूत हो जाते हैं, उनको ऋणी को चुकाने के लिए ठाकुर जी सर खुजला कर दो, सर कब खुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऋणी जब हो जाए ना घर पर, इसको रुपया देना उसको रुपया देना उसको रुपया देना उसको पास में ऋणी, हम क्या करते हैं सर खुजला तो भैया उसका ऋणी को दे चुका है। इसी तरह इन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाप्रभु गंगा तुलसी दल देकर बुलाया तो महाप्रभु बोलो कि वृंदावन छोड़ कर किसी भक्ति जगत में महाप्रभु आ गए। इसलिए अद्वैत आचार्य एकदम आए और सबको उन्होंने पानी में भिगो करके उन्होंने सबको चले गए। इसलिए एक कहते जल रसधारा दाय राय रामानंद, कहते एक महाप्रभु का भक्त है जिनका नाम राय रामानंद, कृष्ण लीला में कौन थे, कृष्ण लीला में कौन थे, कहते ये विशाखा सखी थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, उनको क्या उदाहरण दिया है, कभी जल रस और धारा है, इनको उदाहरण देते हैं, जो राय रामानंद है जल रूपी रस की धारा बरसा है। इसलिए एक संवाद है राय रामानंद संवाद, महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, जैसे गीता है ना, गीता वहाँ पर जैसे अर्जुन प्रश्न करता है और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, जो राय रामानंद संवाद है यहाँ पर भगवान स्वयं प्रश्न करते हैं और यहाँ पर भक्त उत्तर दे रहा है।
राय रामानंद उत्तर दे रहे हैं, जिसको कहते राय रामानंद संवाद। इतने बढ़िया कथा है उसमें, इतने सुंदर कथा राय रामानंद संवाद है, वो अद्भुत कथा राय रामानंद संवाद। रस क्या होता है, रस का है, रस कितने तरह का रस है, भगवान को कितने तरह से भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान को कितने तरह से ठाकुर जी को भक्ति करते हैं, कौन सा भक्ति ठाकुर जी को करनी चाहिए, कृष्ण क्या तत्व है, राधा रानी क्या तत्व है, भक्ति क्या तत्व है, प्रेम क्या तत्व है, हाँ उसमें पूरा के पूरा पूरा के पूरा वहाँ पर विश्लेषण किया है। इसलिए कहते राय रामानंद उन्होंने क्या की, कहते उन्होंने जल रस धारा, बोले 64 महान तो आय लंबे दो स्वभाव महाप्रभु के 64 भक्त है, 64 भक्त है, उनका अलग अलग नाम है, जैसे पंचतत्व सड़क स्वामी, इन लोगों ने क्या किया, जैसे आकाश में जैसे एकदम मेघ जैसे आता है ना घर में, है जैसे मेघ आ जाता है, जैसे अभी एक गर्मी आई, अब देखना गर्मी में लोग एकदम परेशान हो गए, फिर मानसून आ जाती है ना, मानसून आता है, सब लोग सोचते हैं मानसून कब आएगा, मानसून कब आएगा, है अगर मानसून आ जाए क्या होता है, बारिश हो जाता है, बारिश होने पर सब हमको ठंडक मिल जाता है, सबको ठंडा मिल जाता है, कहते हैं 64 महान क्या किए, मानसून बनकर क्या है, ये मानसून बनकर क्या आए और आकाश आकाश में एकदम मेघ पे छा गए, जब बारिश कर दिया ना, उसमें जो गर्मी था, गर्मी मतलब संसार का जो दुख कष्ट में हम हो कर रहे हैं, 64 महान आकर के आकाश में मानसून ले आए और सबको पास में बारिश कर दिया, वहाँ सब भी करके सबको ठंडक मिल गया। श्री रूप सनातन ताय हरिल बिजुरी, ताकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को उदाहरण दिया, जैसे आकाश में मेघ है, आकाश में मेघ, अब देखना जब उसमें बिजली चमकती है ना, मेघ तो काली काली है, लेकिन जब बिजली चमकती है बड़ा सुंदर लगता है, जैसे कृष्ण को उदाहरण दिया, कृष्ण तो काले हैं लेकिन उनका शरीर में जो पीतांबर, कृष्ण काले शरीर में जो पीतांबर पहनते हैं ना, वो कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह मेघ तो सुंदर है लेकिन उसमें जो बिजली चमकती है उस मेघ की स्वभाव जाता है। कहते रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को क्या उदाहरण दिया, कभी बिजली आकाश में जैसे बिजली चमकती है ऐसे ये चमक रहे, मतलब क्या, रूप गोस्वामी आकर के उन्होंने जो रूपानंद भक्ति की शिक्षा दिया, भगवान को कैसे भक्ति करनी चाहिए हैं, उन्होंने जो अलग अलग जो ग्रंथों को प्रकाशित किया, उज्ज्वल निर्मणि भक्ति रसामृत सिंधु हैं, ललित माधव विदग्ध माधव, बड़ी सुंदर सुंदर ने श्री उपदेशामृतम, इनकी बहुत बहुत ग्रंथों उन्होंने प्रकाशित किया है, और सनातन गोस्वामी बृहत भागवतामृत ग्रंथों को प्रकाशित किया, इसलिए इन लोगों ने जो इस ग्रंथों को प्रकाशन करके हमें उन्होंने दिव्य दिव्य ज्ञान को प्रदान किया, इसलिए इनको कहते जैसे ये बिजली जैसे हैं। कहते कृष्णदास कविराज रसरे भाटा, एक हमारे संप्रदाय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कहते उनको तो उदाहरण दिया उनका रस की भंडारी, हमने उदाहरण दिया जब तक राखिल प्रेम हेमकुंभ, हेमकुंभ सोने का कलसी है, हमने सोने का कलसी में उन्होंने क्या किया, हमने पूरा प्रेम को उसमें भर कर रख दिया है, क्या प्रेम, बोले चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, गोविंद लीलामृत ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया है, जैसे अष्टजाम होता है, अष्टजाम समझते हो, जैसे 24 घंटा को 8 पीरियड रूप में बांट दिया, कृष्ण सवेरे कैसे उठते हैं, गोपियाँ कैसे आरती उतारते हैं, हैं कृष्ण कैसे पूजते हुए रहते हैं, गोपियाँ कैसे कीर्तन करते 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 मिट्टी मिट्टी कीर्तन करते करते उनको कैसे जगाते हैं, कृष्ण कैसे उठते हैं, कैसे गैया चराने के लिए जाते हैं, कैसे राधा कुंड में जाते हैं, कैसे कृष्ण कुंड में जाकर कितने सुंदर सुंदर लीला करते हैं, कैसे सखाओं के साथ में गोचारण करते हैं, गोपियों के साथ में कैसे रास रचाते हैं, वो अद्भुत अद्भुत उन्होंने इस बात को उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने क्या की, फिर हेमा कुंभ भरी, मतलब उन्होंने जो चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अद्भुत, हमारे संप्रदाय में अद्भुत ग्रंथ है, हैं उसमें इतने रस है, उसमें इतने सिद्धांत है, उसमें इतने तत्व ज्ञान जो सोच भी नहीं सकते, इतने सुंदर ग्रंथ उन्होंने बनाए, इसलिए उनको उदाहरण क्या दिया, उन्होंने एक सोने की कलसी में उन्होंने पूरा रस को अमृत को उन्होंने भर करके रख दिया, जितने पी सकते हो पियो, जितने उसको पी सकते हो
जतने बोले एबे सही प्रेम लाए जगे जगे जिदो ये दास लोचन भाग्य बिंदु ना मिले। तो वो जो प्रेम है उन्होंने क्या किया, अभी वो प्रेम को लेकर के चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सब भक्त को दिया है। जैसे यहाँ पर भी आ गया भक्त, बोले यहाँ पर नहीं आया, देखो इनकी ड्रेस में भी आ गया, रशिया भी पहुँच गया, अमेरिका भी पहुँच गया, लंदन में भी पहुँच गया, फ्रांस भी पहुँच गया, ये प्रेम सब जगह भी, ये प्रेम सब जगह भी ये पहुँच गया। लेकिन ये जो पदकर्ता वो कह रहे हैं ये प्रेम तो सबको मिला, लेकिन ये जो है कहते ये दास लोचन भाग्य बिंदु ना मिलो, जो इस कीर्तन को लिख रहे हैं कहते देखो सबको तो ये प्रेम मिला, लेकिन मेरे को एक छोटा भी एक बूंद मेरे को नहीं मिला। मतलब इस दीनता से कह रहे हैं सबको तो भक्ति मिली, सबको तो महाप्रभु का प्रेम मिल गया, लेकिन हम दुर्भाग्य अभाग आए ये प्रेम हमें, मतलब ये तीन ही भाव से ये सबको कह रहे हैं। देखो ये बंगला जो कीर्तन है ना, अद्भुत ही बंगला कीर्तन है, अद्भुत ही बंगला कीर्तन, इसके अंदर में जितने भाव है ना इसके अंदर में और सारा दुनिया में इतने कई भाव है नहीं, बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन है। और एक भजन है जय राधे जय जय माधव दयिते, जय राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तारुणी मंडल मोहिते, गोकुल Yeah.
चला जा। अभी हमारे प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। वो ग्रंथ का नाम है मन शिक्षा। क्या नाम है? ये मन शिक्षा शादी की। इसलिए मेरे को सोच में मेरे को अभी हम अभी कथा के बाद तक आपको स्वस्थ बात करने के लिए आशीर्वाद देते देखो। अभी जो ग्रंथ अभी जो कथा सुनाएंगे ना वो कथा है जिसका नाम है मन शिक्षा। क्या नाम है? मन शिक्षा। मतलब क्या है? ये मन को शिक्षा दे रहे, क्योंकि सबसे जो अच्छा है ना ये मन है, और सबसे जो गंदा है ना ये मन है। कहते ये मन को सबसे अच्छा कब है? जब ये मन भगवान की भजन में लग जाए। देखना कि मन भगवत प्राप्ति का कारण बन जाता है, लेकिन सबसे गंदा भी ये मन है। अगर ये मन हर समय देखना अच्छा अच्छे रास्ता पर नहीं जाता, अक्सर करके गलत रास्ता पर चलने की कोशिश करता है। और हमारी सारे 11 इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रिया और पंच ज्ञानेंद्रिया। कर्मेंद्रिया मतलब जिसको अगर हम काम करते हैं, ज्ञान मतलब जिसको द्वारा ज्ञान आहरण करते हैं। लेकिन इनका राजा कौन है? मन। वो मन है ये मन। इसलिए भगवान कहते माँ, बोले माँ यही मन ही बंधन का कारण, यही मन ही मुक्ति का कारण है। जब ये मन को ठाकुर जी के चरण में लगा दो बस ये मुक्ति का कारण बन जाएगी। ये मन को जब गंदे काम में लगा दो बस बंधन का कारण बंधन। इसलिए जो मन है ये मेन वस्तु ये मन ही है। इसलिए मैया क्या करो, ये मन को ठाकुर का चरण में लगा। इसलिए हमारे गुरु जी के गुरु जी प्रभुपाद कहते हैं सवेरे उठो और अपना दूसरी लो, 100 बार अपना मन को पीटो। मतलब ये मन को समझा, मन ऐसा राजीव सदगुरु का स्मरण करना, गुरु वैष्णव की सेवा में लग कर रहना है, हमारे कल्याण है। ठीक है ना? अभी वो मन शिक्षा के ऊपर में उसका जो पहला जो श्लोक है उसको ऊपर में सिखाने छोड़ देंगे ना। आप सभी वैष्णव वैष्णव गुरुदेव का आदेश हुआ है मन शिक्षा के विषय में कुछ कहने का। मन शिक्षा ग्रंथ का नाम ही है मन शिक्षा, अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी ये ग्रंथ लिखा है रघुनाथ दास गोस्वामी। श्रीमद् महाप्रभु के बाद में इस भक्ति धारा को परवर्ती काल में प्रचार करने के लिए उन्होंने 6 गोस्वामी को विशेष रूप में नियुक्त किया था। हमारे संप्रदाय में जो षड गोस्वामी जिसको कहते हैं कौन कौन है? श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी कीर्तन करते हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी हैं जिनको श्रीमद् महाप्रभु ने नियुक्त किया था और ब्रज भेजा था ब्रज प्रकाशित करने के लिए, विशेष करके 4 आदेश दिए। तो उनमें से अन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये कृष्ण लीला में श्री रति मंजरी हैं। हमारे श्रीमद् महाप्रभु जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में लिखते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सह सुयधाम सह अवतरी, अर्थात श्रीमद् महाप्रभु जब इस धराधाम पर अवतरित हुए तो अकेले नहीं, अपने धाम अपने परिकर को लेकर इस धराधाम पर आए। तो वही रति मंजरी जो कृष्ण लीला में रति मंजरी है वही श्री गौर लीला में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बन के और अवतरित हुई है। तो इन्होंने इनके जीवन का ये सचमुच में एक साधक को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार का साधन करना चाहिए, वो इन महापुरुष ने अपने जीवन में आचरित करके दिखाया। यद्यपि सिद्ध महापुरुष है, इनका जन्म बंगाल में हुआ था और इनके पिताजी का नाम था गोवर्धन मजूमदार, और बचपन से इनके ये दो भाई थे इनके पिताजी, उन दोनों में ये एक ही संतान थे। और शुरू से ही बड़ा इंद्र सम ऐश्वर्य इनके परिवार में, इनको बहुत ही धनाढ्य परिवार था। और किंतु बचपन से इनके दोनों माता पिता इनके पिताजी और उनके बड़े भाई ये दोनों की साधु सेवा में थोड़ी रुचि थी, तो इनके यहाँ पर
साधु संत आते रहते थे। इनके जो गुरुदेव दीक्षा गुरुदेव श्री यदुनंदन आचार्य, श्री रघुनाथ स्वामी की दीक्षा गुरुदेव, उनके कुल पुरोहित थी, उनका नाम था यदुनंदन आचार्य। ये श्री अद्वैत आचार्य के साथ में बड़ा इनका सख्य भाव था, मित्र थे। और श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य, श्री हरिदास ठाकुर, वे भी इनके यहाँ पर आया करते थे। तो बचपन से ही रघुनाथ दास गोस्वामी के ये जो भक्ति का संस्कार इनको था, मतलब साधक जीवन में किस प्रकार यह लीला करके दिखा रहे हैं कि बचपन से ही इनका भक्ति के प्रति बड़ा रुझान था। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए, उस समय पर परिवार में इनका विवाह हो गया, घर वालों ने विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद में पुनः पुनः किंतु लेकिन इनके मन में था श्रीमद् महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेते हुए और भजन करने का। ये बार बार श्रीमद् महाप्रभु के पास में आते, लेकिन महाप्रभु जब इनके पास में आते, महाप्रभु के पास में जब ये आते, महाप्रभु इनको दोबारा लौटा देते। जब जब भी महाप्रभु के पास में आते, उनको लौटा देते, क्या कह के, बोले तुम घर जाओ, घर जाके जैसे मरकट वैराग्य होता है ना, क्या होता है जैसे किसी की मृत्यु होती है, अर्थी को लेकर जाते हैं शमशान में, देखते हैं किस प्रकार जिस पूरे शरीर को जीवन भर पालन किया, पुत्र परिवार कोई भी साथ में नहीं जा रहा है, उसी के अंदर मुखाग्नि देकर फूंक दे रहे हैं, तो उस समय पर हमें भी लगता है कितनी विरक्ति हो जाती है संसार से। तो ऐसे ही शमशान वैराग्य, जो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम ऐसा मरकट वैराग्य मत दिखाओ, शमशान वैराग्य मत दिखाओ, क्या करो, घर जाओ, पुनः घर चले जाओ, घर जाओ और बातूनों की तरह मरकट वैराग्य मत दिखाओ, लेकिन तो अंतर में निष्ठा करो। श्रीमद् महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से हमें भी शिक्षा दे रहे हैं, क्या, कि अंतरकरण निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार, कि जैसे हम गृहस्थ जीवन में हैं तो ऐसा नहीं एक बहुत ही ज़्यादा वैराग्य दिखाते हुए और जो हमारे दायित्व है उसको छोड़कर और ये हो जाए, नहीं, श्रीमद् महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अंतरकरण निष्ठा अर्थात आपके भक्ति भजन निष्ठापूर्वक अपनी अंदर में निष्ठा होनी चाहिए बाह्य लोक व्यवहार, क्योंकि वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, जैसे परिवेश जहाँ हम रहते हैं उसके अनुरूप ही आचरण करना पड़ेगा। तो श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं कि अंतरकरण निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार, यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी पूर्ण रूप से विरक्त महापुरुष है, लेकिन इनके द्वारा हमें ही शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार एक साधक को जब प्रथम जब प्रारंभिक अवस्था हो, जब पूरा दृढ़ संकल्प नहीं हो, उस समय पर क्या करना चाहिए, लोक व्यवहार करते हुए अंदर में हृदय में निष्ठा रखनी चाहिए। बार 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 जब ये श्रीमद् महाप्रभु के पास में आते, इनको लौटा देते, बाद में श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की इनके ऊपर कृपा हुई, विस्तृत प्रसंग है किस प्रकार दही चीड़ा महोत्सव आपने श्रवण करी है, वो सारी कथा श्रीमद् महाप्रभु के पास से, जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई तभी पूर्ण रूप से विरक्त होकर और पूरी धाम में आए। जब ये पूरी पहुँचे श्रीमद् महाप्रभु के पास में, तब फिर महाप्रभु ने इनको स्वीकार कर लिया। यहाँ भी देखो बड़ी शिक्षणीय बात है कि जब ये डायरेक्टली बार बार नित्यानंद महाप्रभु के पास में आते थे तो महाप्रभु इनको पुनः लौटा देते थे, लेकिन जब ये गए नित्यानंद प्रभु की शरण में, जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, नित्यानंद प्रभु कौन है, गुरु, नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु थे, हाँ, तो जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती अर्थात जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती, सीधा राधा कृष्ण को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जब ये नित्यानंद प्रभु के पास में आए तो इन्होंने नित्यानंद प्रभु ने इनको चोर कह के संबोधित किया। चोर कह के क्यों संबोधित किया, कह रहे हैं कि राधा कृष्ण संपत्ति है गुरुदेव की, श्रीमद् महाप्रभु संपत्ति है नित्यानंद प्रभु की, तो नित्यानंद प्रभु के अलावा उनको और कोई नहीं दे सकता, इसलिए अगर भगवत भजन करने की पद्धति सिखा रहे हैं कि यदि किसी को भगवत भजन करना हो, सबसे पहला स्टेप है गुरु पदाश्रय, गुरु सद्गुरु का चरण आश्रय करे बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता, भगवान राधा कृष्ण की प्राप्ति तो बड़ी दूसरी बात है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने इनको चोर के संबोधित किया कि श्रीमद् महाप्रभु तो मेरी संपत्ति है और तुम मेरे को बाईपास करके मेरे पास ना आके और उनको प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे थे। ऐसे ही इनके नित्यानंद प्रभु कृपा हुई, ये पूरी धाम में रहे, जब श्रीमद् महाप्रभु अप्रकट हो गए उस समय पर ये आ गए थे फिर पूरी वृंदावन धाम में, ये फिर गोवर्धन में वास करते थे श्री रूप से। जब श्रीमद् महाप्रभु अप्रकट हो गए, इनको उनसे इतना विरह हुआ कि इन्होंने सोचा था मैं गोवर्धन जाऊंगा और वहाँ पे गोवर्धन से कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन जब ये वृंदावन में आए, रूप और सनातन गोस्वामी के पास में रहे, तो उनके मुख से श्री कृष्ण कथा सुन के और उनके स्नेह भाव से ये फिर वहाँ पर रहने लगे, और वहाँ रहते रहते राधा कुंड के तट पर इन्होंने विकट भजन किया। इनके भजन अन्न जल सब त्याग करते हुए बस जीवन यापन करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा 3 दिन में एक बार मट्ठा पीते थे, इतना कड़क वैराग्य इन्होंने करके दिखाया है। जब पुरी में भी निवास करते थे उस समय पर भी इनका जीवन पूरा वैराग्यपूर्ण रहा। किस प्रकार इन्होंने शुरू शुरू जब आए थे श्रीमद् महाप्रभु के पास में, उस समय पर शुरू शुरू में महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद पात्र थे, बाद में वो छोड़कर सिंह द्वार में भिक्षा करनी चालू करी,
वो छोड़ के फिर अन्य छत्र में सड़ा हुआ चावल तक खाया इन्होंने। हाँ, उस सड़ा हुए चावल को, जिससे जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है ना, वो जब बिक्री नहीं होता तो उसको फेंक देते हैं। फेंक देने पर वो सड़ जाता है। सड़ जाने पर उसको जब गैया भी नहीं खाती, वो तेलांगनी गैया भी जिसको नहीं खाती, वो चावल ये महापुरुष कितने धनाढ्य परिवार से आए हैं, लेकिन वही चावल ये महापुरुष छोड़ के वो चावल को धो के और उसको खाते हैं। इतना कड़क वैराग्य इन्होंने करके दिखाया अपने जीवन में। किसके लिए? हम लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं ना। इसीलिए जब ये वृंदावन में आ गए, तब जो राधा कुंड पे निवास करते थे, राधा कुंड पे भजन करते थे, और किस प्रकार संख्या पूर्वक नाम गान नदी भी काला वसानी कृतो निद्रा आहार विहार कादी विजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुण स्मृत मधुरिमानंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल। संख्या पूर्वक अपना नाम जप करते हैं वो, दो सौ बार प्रणाम, सहस्त्र सहस्त्र प्रणाम करते हैं, और सब संतों, जैसे हम लोग जयधनी देते हैं ना, हम लोग तो पूरी जयधनी देते हैं फिर बाद में एक बार प्रणाम कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ये एक संत की जय देंगे फिर पूरा दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर आपस खड़े होंगे फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, ऐसे कितनी बार सहस्त्र सहस्त्र बार प्रणाम करते थे, संख्या पूर्वक अपना जप करते थे, वैराग्ययुक्त जीवन पालन करते थे। और उसके बाद में फिर इनके कई सारे ग्रंथ हैं साधक के लिए भी, और जो जिनकी थोड़ी उन्नत अवस्था हो गई है उन लोगों के लिए भी इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना करी है। तो उसमें से एक ग्रंथ जो हमारे लिए अनुशीलनीय है वो है ये मन शिक्षा, अर्थात ये मन को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने श्रवण किया गुरुदेव से भी, मन ही सारे मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन, कह रहे हैं कि मन ही मुक्ति का कारण बन सकता है और मन ही बंधन का कारण बन सकता है। गीता में भी अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन यही कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, ये मन को मैं वायु को काबू कर सकता हूँ, वायु को काबू कर सकता हूँ, लेकिन चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि वर प्रति, कह रहे हैं मेरे मन इतना चंचल है, इस मन को मैं काबू नहीं कर सकता। अगर ये मन हमारे भगवान के भजन में हमको सहायक करे तब तो अच्छा है, ये मोक्ष का कारण बन सकता है, लेकिन उसी के विपरीत यदि हमें संसार में डुबो दे, सारे गंदे चिंतन किससे होते हैं, मन से ही तो होते हैं ना। तो इसलिए श्रीमद ये श्री रघुनाथदास गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं मन को, मन शिक्षा। तो पहला श्लोक जो है उसके अंदर कह रहे हैं ये कि गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु स्वजने भुसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रजदवयुव द्वंद्वशरणे, बता रहे हैं हम इस मन को कि तुम किस प्रकार शिक्षा करो। सबसे पहले वह बोल रहे हैं गुरु, गुरु नहीं कहा, क्या बोल रहे हैं गुरु, अर्थात बहुवचन है। तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या बहुत सारे गुरु होते हैं? रघुनाथ स्वामी जब कह रहे हैं गुरु तो क्या बहुत सारे गुरु होते हैं? तब यहाँ पर बता रहे हैं कि मुख्यतः तो दो रूप में, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, लेकिन उससे भी पूर्व जब कोई व्यक्ति जैसे भजन में आ रहा हो, किसी के इस जीव के हृदय में जब इच्छा होती है मैं भगवत भजन करूँगा, तो भगवान स्वयं अंदर से प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देकर और हमको रास्ता दिखाते हैं कि तुम अमुक जगह पर जाओ। जैसे बताया ना कि कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवान है, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया, कि जब कृष्ण किसी पर कृपा करना चाहते हैं, भगवान यदि किसी जीव पर कृपा करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अंतर्यामी रूप में, परमात्मा रूप में सबके हृदय में भगवान है, तो परमात्मा रूप में वे ही किसी जीव को प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा देकर किसी सद्गुरु के चरण में पहुँचाते हैं। इसको बोलते हैं चैत्य गुरु, इसको बोलते हैं चैत्य गुरु। कृष्ण ही स्वयं जीव के हृदय में बैठे हुए हैं तो वो जीव को प्रेरणा देते हैं, तो उसको बोलते हैं चैत्य गुरु। उसके बाद में जैसे हम भजन मार्ग में आए, प्रारंभिक अवस्था में हुआ होगा किसी ने हमको बताया होगा भाई अमुक जगह पर जाओ, या फिर यहाँ पर संत आए हैं उनके पास में जाओ, यहाँ से महाराज जी आए हैं उनकी कथा सुनो, तो वो होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। ये भी एक है पथ प्रदर्शक गुरु, अर्थात जिन्होंने हमको प्रारंभिक अवस्था में रास्ता दिखाया। कई अवस्था में ऐसा हो सकता है कि पथ प्रदर्शक गुरु ही हमारे बाद में शिक्षा गुरु भी बन गए, लेकिन एक अलग अलग कैटेगरीज बताते हुए कह रहे हैं एक पथ प्रदर्शक गुरु भी होता है जो हमको इस भजन मार्ग में शुरू प्रारंभिक अवस्था में लेकर आए हैं। और मुख्य रूप में दो तो होते ही हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कौन? जिनसे हमने मंत्र ग्रहण किया, जिन्होंने हमको दीक्षा मंत्र प्रदान किए, वे हैं दीक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु कौन? शिक्षा गुरु जिनसे हम भगवत भजन की शिक्षा लेते हैं। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक ही हो जाते हैं, लेकिन कहीं पर जैसे दीक्षा गुरु, जैसे हमारे हम देखते हैं गौड़ी विधान समिति के अंदर किस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में श्रील भक्ति विधान बामन गोस्वामी महाराज भी सबको दीक्षा देते थे, दीक्षा देकर और बाद में भेज देते थे मथुरा में श्रील भक्ति विधान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के पास में।
वो सबको शिक्षा देते हैं। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही हो जाते हैं, लेकिन कई कई केसेस में क्या दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों को अभिन्न मानना चाहिए। कहते हैं शिक्षा गुरु की तो दीक्षा गुरु की तो जानी कृष्णेर स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूप, कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक तो है कृष्ण का रूप, एक है कृष्ण का स्वरूप। रूप और स्वरूप में क्या कुछ भेद है? कोई भेद नहीं। तो ऐसे ही दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भी कोई भेद नहीं है, दोनों को एक ही जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गुरु गुरु अर्थात ये दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु मुख्यतः तो ये दो ही हैं, लेकिन सबकी हमको यह मन तुम क्या करो, इनके चरणों में नतमस्तक रहो, इनके प्रति तुम्हारी वृद्धि हो। उसके बाद में कह रहे हैं गुरु गोष्ठे, गोष्ठे अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं श्री ब्रजधाम के बारे में, श्री वृंदावन धाम के बारे में, जैसे नंदगांव, बरसाना, गोकुल, पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में जितने स्थान हैं, कह रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हे मेरे मन तुम उनके प्रति तुम्हारी रतिमति लगाओ। वे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे प्यारे मन, हे मेरे अबोध मन, मैं तुम्हारे चरणों में गिर के मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम क्या करो अपनी मति लगाओ। किसमें? ये ब्रजधाम के प्रति। बोले ब्रजधाम के प्रति क्यों मति होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर साक्षात भगवान ने लीला करी है ये ब्रजधाम में, और अभी भी भगवान क्या यद्यपि सही लीला करे गौर राय, कौनों कौनों भाग्यवान देखी बारे पाए। धाम की इसलिए बताएं तीन स्वरूप होते हैं, प्रकट, अप्रकट और दृश्यमान। प्रकट मतलब जब श्री ठाकुर जी उस धाम में प्रकट थे, उन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं करी, तो इसलिए उसको कहते हैं प्रकट। उसके बाद में ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हो गए तो तब उस लीला को कहते हैं अप्रकट, और दृश्यमान अर्थात जो अभी हम देखते हैं उसको कहते हैं दृश्यमान स्वरूप। सो ये धाम के तीन स्वरूप बताए गए, तो इसलिए क्योंकि ठाकुर जी ने वहाँ पर लीला करी है। वहाँ पर जैसे हम लोग जाते हैं गोवर्धन, गोवर्धन में क्या है कि राजजी को स्वयं कृष्ण ने धारण किया ना, उस स्मृति को लेकर ही तो हम जाते हैं। लोग जाते हैं रमन रेती में, रमन रेती वहाँ पर लोटपोट खाते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान की चरण धूली वहाँ पर है, भगवान ने अपने श्री चरण वहाँ पर रखे हैं, तो उनकी चरण धूली वहाँ पर है, इसलिए उस धाम की इतनी महिमा है कि तो इसलिए क्या करो तुम ब्रज धाम का आश्रय लो। रघुनाथ दास गोस्वामी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि यदि किसी को भजन करना है, अपने मन को शिक्षा दे रही है, यदि कोई भजन करना चाहता है तो ये धाम उसके लिए बड़ा अनुकूल है। लेकिन कुछ कुछ लोगों की धारणा क्या होती है कि अरे भजन की शिक्षा तो शास्त्रों में दी गई है, तो शास्त्र तो जहाँ कहाँ रहकर भी पढ़ लो, जहाँ पर रह सकते हो जहाँ कहीं भी रहकर और भजन कर लो। कह रहे नहीं, ब्रज धाम के प्रति बड़ी अनुरक्ति होनी चाहिए, उसके प्रति बड़ी प्रीति होनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी क्या कहा कि तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहते हैं कि क्या करो, तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रहो, ब्रज में वास करो। हाँ, तो अभी यदि प्रश्न उठता है कि सबके लिए तो ब्रजवास करना संभव नहीं है, भजन करने की इच्छा तो सबकी है लेकिन सबके लिए तो ब्रजवास करना संभव नहीं, तब यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि शरीर से वास ना कर पाओ तो मन से वास करो, तो मन से वास करो। जैसे गुरुदेव से प्राय हम लोग श्रवण करते हैं किस प्रकार मन से वास करो, श्री ठाकुर जी की जो लीलाएं सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनका चिंतन करते हुए और भगवान का नाम करो। हाँ, या फिर क्या करो, अपने घर को ही वृंदावन धाम बना लो। जैसे हम लोग यहाँ पर सुबह उठ के क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी कितनी सुंदर मंगल आरती हुई, मंगल आरती के बाद में कीर्तन हुआ, कीर्तन के बाद में अभी हरिकथा श्रवण हो रही है, इसके बाद में ठाकुर जी को भोग लगेगा, भोग लगाने के बाद में हम प्रसाद पाएंगे। तो इस घर में भी सारी चेष्टाएं जो हो रही है क्या हो रही है, ठाकुर जी को दिव्य, जैसे वृंदावन धाम में क्या होता है, ठाकुर जी की आरती होती है, ठाकुर जी का कीर्तन होता है, भगवान जब पा लेते हैं प्रसाद उसके बाद में सारे सखा लोग सखियाँ सब पाते हैं, तो उसी स्वरूप में हम भी क्या कर रहे हैं, वैसे ठाकुर जी की आरती हुई, ठाकुर जी का कीर्तन हुआ, प्रसाद सेवा करेंगे। तो अगर ब्रज में वास नहीं कर सकते, शरीर से अगर ब्रज में वास नहीं कर सकते, तो अपने घर को ही वृंदावन धाम बना लो, घर को ही वृंदावन धाम बना लो, और मन से सब समय क्या करो, ब्रज में वास करो, मन से सब समय ब्रज में वास करो। इसलिए कह रहे हैं कि ब्रज के प्रति विशेष अनुराग रखो। उसके बाद में कह रहे हैं भूसुरगणे, भूसुरगणे अर्थात ब्रजवासी जन, जो ब्रजधाम में निवास करने वाले लोग हैं उनके प्रति भी विशेष प्रीति रखो, क्योंकि वो भी हमारे वंदनीय हैं, वो भी हमारे वंदनीय हैं। क्यों? क्योंकि ये उस धाम पर, जैसे हमें तो ब्रजवास मिला नहीं, हमें तो अभी जैसे साधारण रूप में भी देखें तो हमें तो अभी ब्रजवास मिल नहीं रहा, लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं बड़े सौभाग्यवान हैं ना। ठाकुर जी की लीला स्थली पर यदि कोई निवास कर रहा है तो क्या उसका भाग्य कम है? बड़े ही उसकी पुण्य, पूर्व जन्मों की सुकृति होगी, पुण्य होगा, इसलिए तो उसको ब्रजधाम ब्रजवास मिल रहा है। तो इसलिए उनके प्रति भी हमारी विशेष निष्ठा होनी चाहिए।
अभी प्रश्न उठता है कि ब्रज में क्या सबको जो रह रहे हैं उनके प्रति हमारी उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। ब्रज में तो जैसे बांके बिहारी मंदिर जाओ, अभी चंदन यात्रा आएगी, बांके बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ होती है, कोई जाओगे पॉकेट मार लेगा। चोर भी तो रह रहे हैं ब्रज के अंदर, तो क्या सबके प्रति वैसी निष्ठा होनी चाहिए? तब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग शारीरिक रूप से ब्रज में रहते हैं क्या वही ब्रजवासी है? बोले नहीं, जिन्होंने अपने हृदय को ही ब्रज बना लिया है, जिनके हृदय में ही सब समय कृष्ण सेवा की लालसा है, कृष्ण सेवा की इच्छा है, जो अपने जीवन में सब समय कृष्ण सेवा के अलावा कृष्ण चिंतन के अलावा कुछ करते ही नहीं है, वही प्राकृत ब्रजवासी है, वही प्राकृत ब्रजवासी है। श्री श्रीमद महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर, स्वरूप रामोदर कभी भी वृंदावन धाम आए नहीं, ब्रज धाम आए नहीं, लेकिन श्रीमद महाप्रभु ने उनको कहा तुम ही श्रेष्ठ ब्रजवासी। स्वरूप दामोदर को बोला कि आप श्रेष्ठ ब्रजवासी है, वो तो कभी ब्रज धाम में आए नहीं, कभी ब्रज में उन्होंने पैर रखा नहीं। ऐसे ही श्री क्या नाम जिसको श्रेष्ठ नवदीपवासी होता है वृंदावन, तो इसलिए स्वरूप दामोदर को बोला कि आप श्रेष्ठ ब्रजवासी हो। तो अर्थ क्या है, जो शरीर से अगर ब्रज में रह रहा हो तो वो ब्रजवासी नहीं है, जिनके हृदय में ही क्या है भगवान की सेवा करने की लालसा है, जिन्होंने सब समय कृष्ण चिंतन करते हैं, कृष्ण सेवा जो करते हैं, वो ही प्राकृत ब्रजवासी है। इसलिए ऐसे जो रागानों का भक्त है, जिनका जिनके ठाकुर के प्रति स्वाभाविक प्रीति है, जिनके वो जो मन से ब्रज में वास करते हैं, वो ही सच में ब्रजवासी है। उसके बाद में बता रहे हैं सुजन, सुजन अर्थात हम जैसे हमारे संप्रदाय के अंदर जो ब्रजवासी उनके प्रति सम्मान हो गया, लेकिन और भी तो वैष्णव संप्रदाय है ना, पता है ना चार वैष्णव संप्रदाय हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे संप्रदाय के अंतर्गत जो वैष्णव है उनके प्रति ही सम्मान ही उनके प्रति ही प्रीति होनी चाहिए, जो अन्य अन्य चार वैष्णव संप्रदाय हैं कहते हैं उनके प्रति भी हमारी प्रीति होनी चाहिए, उनके प्रति भी हे मन तुम उनके प्रति भी रतिमति लगाओ। क्यों? क्योंकि श्रीमद महाप्रभु तो कहते हैं वैष्णव मात्र ने क्या जीवे सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान, कि वैष्णव हो व अवैष्णव हो तुम जीव मात्र को सम्मान दो, जीव मात्र को सम्मान दो, क्योंकि अगर किसी के भी प्रति तुम्हारी हीन भावना होगी, किसी के भी प्रति तुम्हारी द्वेष बुद्धि होगी, तो तुम भजन नहीं कर पाओगे। ये मन जब तक पूर्ण रूप से निर्मल नहीं होगा तो ठाकुर के भजन में नहीं लग सकता। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि सुजन, सुजन अर्थात चार वैष्णव संप्रदायों में जिनकी शाखाएं जिनके आश्रित सब भक्तजन हैं, वो ब्रजवास यदि ना भी करते हो तो भी उनके प्रति भी तुम क्या करो प्रीति रखो, उनके प्रति भी तुम मति को लगाओ। उसके बाद में कह रहे हैं भूसुरगणे, भूसुरगणे अर्थात सब ब्राह्मण लोग, सब ब्राह्मण जो जिनका वर्णाश्रम धर्म के वर्ण दैवी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जिनका ब्राह्मण संस्कार है, जो ब्राह्मण घर में जन्म हुए सिर्फ वो ही नहीं जिनका ब्राह्मण युक्त आचरण भी है, ब्राह्मण युक्त आचरण अर्थात क्या जो ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं, तो उन ब्राह्मण के सारे जैसे पठन पाठन अध्ययन अध्यापन ये सारे ब्राह्मण के कुछ लक्षण बताए गए हैं, तो जो व्यक्ति शुद्ध आचरण युक्त ब्राह्मण है, कलयुग के अंदर तो यद्यपि ये सारा संभव मतलब क्या कलयुग के अंदर तो बताया कि राक्षसा कलिमाश्रित कि जो लोग राक्षस थे वो ही कलयुग में ब्राह्मण रूप में जन्म लिए, लेकिन किसके लिए बताया है जो लोग ब्राह्मण घर में जन्म लेकर भी मांस मच्छी खाते हैं या वगैरह सेवन करते हैं वो लोग राक्षस हैं, लेकिन जो लोग आचरण युक्त सदाचरण युक्त ब्राह्मण हैं उनके प्रति भी हे मन तुम निष्ठा रखो। जब भागवतम के अंतर्गत आता है जब ऋग महाराज का प्रसंग है ना, ऋग राजा थे वो बड़े दानवीर थे, वो क्या करते थे सबको दान दक्षिणा करते थे, तो एक समय पर उनके यहाँ एक वैष्णव आए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करते थे, गाय को लाखों लाखों गैया दान करते थे, उनके सिंह को सोने में मुंडवा के खुर को चांदी में मुंडवा के और ऐसी गायों को सुंदर मखमल का वस्त्र देकर और गाय दान करते थे। तो एक समय पर इनके यहाँ पर कोई वैष्णव भी आए, उन्होंने देखा कि इसका कल्याण कैसा हुआ, क्योंकि दान पुण्य से तो दान में बड़ा दोष का भी विचार है, तो दान पुण्य से तो इनका कल्याण हो नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया उनसे भागवत दान मांगा। उस समय पर तो प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो इस मृग राजा ने उसके ऊपर तालपत्र के ऊपर सारे भागवत के श्लोक लिखवा के और इनको दान कर दिया। इन्होंने ही किसी ब्राह्मण को जब कुछ गैया दान करी थी तो उस दान करी हुई गायों में से एक गाय वापस आ गई थी और वही दान करी हुई वस्तु इन्होंने वापस किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब ये दोनों ब्राह्मण तो आकर लड़ने लग गए, बोले ये मेरी गैया है। तब इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप ये गैया इन ब्राह्मण को दे दो, मैं इसके विनिमय में आपको और 10 गायें दे दूंगा। बोले नहीं मुझे तो यही गैया चाहिए। दोनों ब्राह्मण ऐसे अड़ गए,
अड़ गए तो फिर क्या, दोनों ने इनको श्राप देकर चले गए, दोनों ने इनको श्राप देकर चले गए, जिसके फलस्वरूप इनको गिरगिट बनना पड़ा। बाद में जब ये कृष्ण लीला में जब भगवान के चरण कमल इनके ऊपर पड़े तब जाकर इनका उद्धार हुआ। तो यहाँ पर उस समय पर भगवान कृष्ण भी स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि ब्राह्मण यदि तुम्हारे ऊपर क्रोध भी करे, यदि तुम्हें श्राप भी दे रहा हो, तब भी तुम क्या करो, उनसे कुछ द्वेष भी मत करो। साक्षात भगवान कृष्ण नृसिंह महाराज को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम ब्राह्मण के प्रति द्वेष बुद्धि मत रखना, उनके प्रति असामान्य बुद्धि मत रखना। तो इसीलिए हमारा भी कर्तव्य क्या है कि यद्यपि चार वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत जो वैष्णव है उनको तो सम्मान करना ही है, जो आचरण युक्त ब्राह्मण है उनको भी सम्मान करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण असुर गण है इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मणों को भी सम्मान करो। उसके बाद में स्वमंत्रे, स्वमंत्रे अर्थात गुरुदेव से जो हमने मंत्र प्राप्त किया है, जो हमको दीक्षा मंत्र मिले हैं, जो भगवत नाम मिला है, उसके प्रति भी विशेष निष्ठा रखो। हे मन तुम उसके प्रति भी विशेष रति रखो। जैसे मंत्र को ऐसे नहीं हम साधारण रूप में बस जहाँ कहाँ बैठ के और जप कर लिया, मंत्र जप करने के लिए विशेष एक आसन रखो, क्या करो आचमन करो, तीर्थों का आह्वान करिए। जैसे जो आनी करने की विधि होती है, लोग क्या करते हैं जहाँ कहाँ बाहर हमने देखा है कहीं जाते हैं पत्थर लगी है पंगत में बैठे हैं, अरे बोले आनिक तो हुई नहीं, वहीं पे बस लगा के चालू हो गए, बोले दो पूड़ी खीर सब्जी, सब इशारा करते करते क्या पत्थर सजवाएंगे और साथ साथ में मंत्र भी चल रहा है। मना किया है अपने मंत्र के प्रति विशेष निष्ठा रखो, आसन शुद्ध आसन पर बैठ कर शुचि पूर्वक आनिक करो, आचमन करते हुए तीर्थावन करते हुए इस तरह से शुद्ध रूप में आनी, मंत्र के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, तब जाकर तो मंत्र फलीभूत करेगा, तब जाकर तो मंत्र अपना फल प्रदान करेगा, ठीक है। तो बता रहे हैं स्वमंत्रे, फिर श्री नामनी अर्थात भगवान का जो नाम हमने मिला है, जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जप करते हैं उसके प्रति भी विशेष निष्ठा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हम जप करते जा रहे हैं और साथ में और अन्य अन्य काम भी करते हैं। मैंने देखा एक हाथ से लोग जप करते रहते हैं, दूसरे हाथ से केला खाते रहते हैं। हरे नाम के प्रति विशेष निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि ये नाम ही हमको अंततः क्या कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, नाम में इतनी शक्ति है ना, इसीलिए कह रहे हैं नाम के प्रति भी विशेष निष्ठा होनी चाहिए। उसके बाद ब्रज नव युवक द्वंद्व शरण, श्री राधा कृष्ण युगल किशोर के प्रति इस प्रकार यदि तुम हे मन तुम्हारी निष्ठा होगी तब जाकर क्या करोगे, श्री रघुनाथ गोस्वामी पुनः 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 अनेक अनेक बार प्रार्थना कर रहे हैं मन से कि हे मेरे प्यारे मन तुम इनके प्रति विशेष निष्ठा रखो। इसलिए इनका प्रथम श्लोक है श्री मन शिक्षा गौर प्रेमानंद रघुनाथ दास गोस्वामी की बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Thank you.
इधर आ जा। जैसे जैसे बोलो आ जा। दूल्हा दूल्हा।